क्लास एट के स्टूडेंट देखें, जॉर्डिज फान में आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 का लास्ट पैराग्राफ देखें, आपकी लाइन स्टार्ट होगी ही सेड इंसेंटेड, यहाँ से शुरू हो रहा है। आप अपनी बुक खोलें, ही सेड इंसेंटेड, तो बड़ी मनमोहक ढंग से कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, थोड़ी राहत लेने के बाद मैं आपको ले चलूँगा। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट फान वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, उसके पिता ने ये बताया था कि यदि पहली बार हिरण के बच्चे को ले जाया जाए तो वह पीछे चलने लगेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, फिर वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। द फान स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसके पीछे धीरे धीरे देखता हुआ आ रहा था। ही केम बैक टू द स्ट्रोक एंड इट वॉक्ड अवे अगेन, फिर उसको सहलाया और फिर वह चलने लगा। इट टूक ए फ्यू बॉबलिंग स्टेप टुवर्ड हिम, थोड़ा लड़खड़ाते हुए कदम से आगे उसकी ओर आने लगा। एंड क्राइड पीटीएसली, और बड़े दया भाव से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, उसको पीछा करने की इच्छा थी। इट बिलोंग टू हिम, अब यह उसी का हो गया था। इट वॉज हिज ऑन, अब उसका स्वयं हो गया था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय, वह खुशी से थोड़ा उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखती थी। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, और उसको वह अपने पास लेना चाहता था। ही रन एंड रोम्ड विथ, दौड़ता रहता था। कॉल टू कम हिम, बुलाता था, आओ मेरे पास आओ। ही डेयर नॉट अलार्म इट, अब उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं थी। ही पिक्ड इट अप कैरिड फ्रंट ऑफ योर टू आर्म्स, फिर उसको उठा लिया, फिर अपनी दोनों बाँह में उठा कर लेके आता है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट इफोर्ट, लगता था कि अब बिना किसी सहयोग या मदद का वह चल सकता है। हिज आर्म्स बिगेन टू एच, उसकी बाँह अब दुखने लगा। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और फिर दोबारा रुक गया। वेन ही वॉक्ड ऑन, जब आगे बढ़ा। द फान फॉलोड हिम एट वंस, तो हिरण का बच्चा तुरंत उसके पीछे चलना शुरू किया। ही अलाउड टू वॉक लिटिल डिस्टेंस, फिर उसको थोड़ी दूर जाने दिया। देन पिक इट अप अगेन, फिर उसको दोबारा उठा लिया। देन डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर की दूरी कुछ नहीं रह गई थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द राइट नाइट, वह रात में और दिन भर चला था। कैरिंग इट, उसको लेकर। एंड वॉचिंग इट फॉलो, और फिर उसको देखता चलता था। ही वॉज वेट विथ स्वीट, वह पसीने से गीला हो गया था। बट लाइट ब्रिज, लेकिन ठंडी हवा थी। ब्लू द्रोज द जून मॉर्निंग, जून के महीने में जो ठंडी हवा बहती थी सुबह में, थोड़ा था कूलिंग ही, उससे उसको कुछ ठंडी महसूस हो रही थी। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर एंड ब्लू चाइनाज कप, आकाश इतने साफ दिख रहे थे नीले, जैसे कि चीनी मीठ के कप में दिखता है पानी। ही केम टू द क्लियरिंग, वह साफ जगह पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, यह जगह रात की बारिश में हरा भरा और साफ हो गया था, ताज़ा हो गया था। ही फंबल्ड विथ लैच एंड वॉज फाइनली अब्लाइज्ड टू सीट डाउन द फान टू मैनेज इट, फिर वह उसको नीचे रखता है, और वह नीचे रखने के बाद लगता है कि हिरण का बच्चा उसको धन्यवाद दे रहा हो। देन ही हैड आइडिया, तब उसके मन में एक विचार आता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम, वह फिर पेनी के कमरे में गया। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे चल रहा था। बट अ स्टेप वॉज फान वॉक्ड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, लेकिन हिरण के बच्चे की अब पैर जो थी जवाब दे रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट हिज फादर, फिर उसको उठा लिया और पिता के पास ले गया। पेनी ले विथ क्लोज आइज, पेनी अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। जॉर्डी कॉल्ड पा, लुक, जॉर्डी ने कहा पा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी अपना सर उधर घुमाया। बिसाइड हिम
देन फॉन क्लस्ट हार्ड अगेन सीम तो फिर हिरण का बच्चा फिर उसको पकड़ लेता है। इट सीम टू पेनी दैट बॉयज आइज वेयर एज ब्राइट एज फॉन, लगता था पेनी को देखने के बाद इतनी आंखें बच्चे की चमकीली दिख रही थी उतने हिरण की। ही सैड कहा आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उसको पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब किचन में गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, वह हिरण का बच्चा भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे चलने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मील का स्टूडेंट किचन सेफ, सुबह की दूध की एक कड़ाही किचन में साफ तिजोरी में पड़ी हुई थी। द क्रीम हैड रिजन आउट, उस पर मलाई आ गया था। ही स्कीम द क्रीम इनटू ए जग, फिर उस मलाई को एक जग में छान कर रख दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गर्ड, फिर छोटी सी लौकी की कपड़े में दूध को डाल दिया। ही हैड इट आउट द फॉन, फिर उसको हिरण के बच्चे के पास ले गया। इट बटर्ड इट सडनली, फिर उसमें अचानक वो देखने लगा। अ स्मेलिंग मिल्क, दूध का सुगंध जब आया। ही सेव्ड स्पेशली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर, फिर वो बचाने लगा कि कहीं फर्श पर ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द ग्राउंड गॉड, फिर देखा कि तो फिर इस गॉड में रखने का कोई मतलब नहीं होगा। ही स्लिप्ड हिज फिंगर इनटू मिल्क एंड थस इनटू द माउथ फॉन सॉफ्ट माउथ, फिर वो अपने उंगली को नीचे दूध में ले गया और फिर हिरण के मुलायम मुंह में ले गया। इट सक्ड ग्रेटली, हुआ धीरे धीरे चूसने लगा। व्हेन विड्रॉ देन इट ब्लीटेड फ्रेंडली एंड बटर्ड हिम, जब वो उंगली निकालता था तो वह मेमी आता था। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड हिज फॉन स्टक, फिर अपने उंगली को नीचे ले गया और फॉन चूसने लगा। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर उसको धीरे धीरे उसके मुंह को नीचे लाया। द फॉन ब्लू एंड सक द स्नॉट, फिर उसके मुंह को नीचे किया और पीने लगा। इट स्टैम्ड इट्स स्मॉल फूफ इंपॉर्टेंटली, फिर छोटे छोटे पैर को धीरे धीरे रखता था। आई लॉन्ग एज हेल्ड हिज फिंगर ब्लो द लेवल ऑफ मिल्क, जैसा कि उसके नीचे दिखता था। द फॉन वॉज कंटेंट, हिरण का बच्चा भी संतुष्ट हो गया। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, फिर अपनी आँख को धीरे से बंद किया। इट वॉज एकास्टली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, फिर उसके सर नीचे किया। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक टू फोर्थ, आगे पीछे उसकी छोटी पूँछ हिलती रहती थी। द लास्ट ऑफ मिल्क वनिश्ड इन वेरल एंड फोम एंड गॉगिंग, और अंत में पूरा दूध एक एक घूंट में गाज के साथ निगल गया। मॉरिजे किनन रेलिंग, ये लेखक का नाम है। इस तरह से जॉडिस फॉन चैप्टर फिनिश्ड हुआ। इसके आगे एक्सरसाइज पोस्ट की जाएगी।